तो यहाँ पे काफी सारे लोग पाकिस्तान में जाते हैं यहाँ से, जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पासपोर्ट लिए लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, बिना पासपोर्ट के जाते हो। हम जो ड्राइवर के साथ जा रहे हैं अभी फिलहाल, इनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई हमारी और पता चला कि ये जो हमारा ड्राइवर है ये तालिब है, ये तालिबान में काम कर चुके हैं। यहाँ पे मेरे आस पास देख सकते हो भाई आप लोग, हर जगह तालिबान ही तालिबान है। आपसे जाएंगे सब, कैसे हो, खैरियत? उर्दू आता है? उर्दू थोड़ा आता है। मैं इंडिया से आया हूँ। इंडिया से हो? हाँ, ठीक है। सब खैरियत? मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ जलालाबाद। अच्छा, घूमने आया हूँ। कुछ खाना चुकाओ? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। जूस भी है? बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे भाई इन्होंने मेरे को जूस दे दिया यार, रैंडमली आया था मैं पीने यहाँ पे, मतलब इनसे मिलने के लिए। यहाँ पे भाई ने मेरे को यहाँ पे जूस ऑफर कर दिया यार, मैं रैंडमली ऐसे आया था मिलने के लिए। इंडियन लोग को मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे लोग पश्तू बोलते हैं, पश्तू ज्यादा है, फारसी नहीं बोलते। फारसी भी बोलते हैं और उर्दू इतने कम है। आप इतना अच्छा उर्दू कैसे सीख लिया आप? पिशावर में। आप पाकिस्तान में थे? अच्छा दादा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में जाते हैं यहाँ से? जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पासपोर्ट लिए लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, बिना पासपोर्ट के जाते हो? पैसा दिया सर? कोई बात नहीं, आप तो मेहमान हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम सर? अहमदुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमदुल्लाह सर। ये है यहाँ पे जलालाबाद गाइस, रैंडमली बस ऐसे नॉर्मल लोगों से अप्रोच किया मैंने, ऐसे नॉर्मली बात करते करते, और फिर उन्होंने मेरे को जूस ऑफर कराया। ये चीज़ काफ़ी सारी जगह घूम चुका हूँ बट ये चीज़ बस अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। वो कितने अच्छे लोग होते हैं यहाँ पे। मैंने भी पैसा दिया, उसने बोला नहीं नहीं पैसा नहीं ले यार। यार यहाँ यार कपड़े बेच रहे हैं यहाँ पे यार, लोकल मार्केट है यहाँ पे जलालाबाद का। कहाँ से हो? मैं हिंदुस्तान से सर। हाँ, आप जलालाबाद से? नहीं, पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से हो? पाकिस्तान में किधर? पाकिस्तान में कराची। अच्छा, इधर क्या काम से आए हो सर? इधर काम से आए। अच्छा, मैं तो हिंदुस्तान से घूमने आया हूँ जलालाबाद। लेकिन आप तो बोर्न बाय अफगान हो ना? नहीं नहीं, मैं इंडिया से आया हूँ, बोर्न बाय अफगान नहीं हूँ। नहीं नहीं, अरे नहीं, और बामियान क्यों? बामियान क्यों ना? नहीं नहीं, मैं इंडिया से आया हूँ मैं घूमने के लिए। बामियान। तो भाई साहब यहाँ पे मिल गए यहाँ पे कराची से। कराची, कराची में आप लोग क्या सर आप लोग का? हम यहाँ इंजीनियरिंग के शोबे में तालुक देखा, मशीनें चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्वेलरी। सही बात सही बात। तो हमारे पास यहाँ मशीनें भी तुम लोगों की आगरा की, आरजे है, आरडी। अच्छा, सब आगरा, राजकोट। अच्छा, वहाँ से आते हैं मशीनें। शुक्रिया, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, क्या बढ़िया यार, पाकिस्तानी लोग भी मिल गए यार यहाँ पे। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान के लोग भी मिल जाएंगे। काफ़ी सारे पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पे काम करते हैं बोल रहे हैं, और है तो ये मिनी पाकिस्तान ही जलालाबाद। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उर्दू बोल लेते हैं। यहाँ के जो फेशियल उनका फेस देखोगे आप लोग यहाँ पे, तो अफगानिस्तान में अलग अलग प्रोविंस में लोगों के अलग अलग फेसेस होते हैं। बामियान की तरफ जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मंगोल टाइप उनकी शक्ल होगी। यहाँ पे जलालाबाद में काफ़ी हद तक पाकिस्तानी टिप होती है। यहाँ पे इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया से? इंडिया से आया। पंजाबी समझना है? उर्दू। आप उर्दू बोल देते हो? हाँ, उर्दू बोल सकता हूँ। अच्छा, कैसे आप? सब बढ़िया सब बढ़िया। आप जलालाबाद से? हाँ, बढ़िया, जलालाबाद से। सही है, इंडिया का भी एक नंबर लोग है, इंडिया हमारा अपना दोस्त बोलते हैं। सही बात है, सही बात है। जब लाहौर इज्तिमा पे कभी कभी जाता हूँ ना। अच्छा, तो वहाँ इंडिया के बॉर्डर तक जाता हूँ। वाघा बॉर्डर? वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान का झंडा जाते है, वहाँ से इंडिया का आते है। सही बात है, सही बात है। वो लोग मार्च मार्च करते हैं, मार्च करते हैं। सुनो, आप लोग लाहौर भी गए हो? हाँ, लाहौर गए, पाकिस्तान को सब मैंने घुमाया। अच्छा अच्छा, यहाँ जलालाबाद के लोग काफ़ी पाकिस्तान जाते हैं। हाँ, हमको हमारे TVS ऑटो काफ़ी मिल जाएंगे देखने को। ये हर जगह आप लोगों को येल्लो ऑटोज। और ये है नंगरहार, NGR लिखा हुआ है हर एक ऑटो में। नंगरहार जो जलालाबाद है, नंगरहार प्रोविंस में आता है ये। और मेजॉरिटी लोग यहाँ पे मतलब एथनीसिटी से पश्तून होते हैं और पश्तू बातें करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली देखा जाए तो जलालाबाद लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट जब थी अफगानिस्तान में, तब भी जलालाबाद तालिबान रूल थी, और तो इसलिए एज सच
कुछ डिफरेंस है नहीं अगर देखा जाए तो। लास्ट ईयर तालिबान थी, अभी तो तालिबान हर जगह आ चुकी है। बट यही बना तो मेन रीज़न है कि यहाँ पे जलालाबाद की तरफ मैक्सिमम लोग आते नहीं थे क्योंकि सेफ्टी इश्यूज हुआ करता था यहाँ पे। ये सारे अफगानिस्तान के लोकल बाइक भाई, इन बाइक की जो पिकअप होती है ना यार, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे काबुल में था, अच्छा ये आदम खान ओ भाई साहब ये सबसे फेमस जगह है। अच्छा चपली कबाब के लिए, चपली कबाब के ये भाई आदम खान चपली कबाब बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं पूरे अफगानिस्तान में सबसे फेमस चपली कबाब का दुकान है यहाँ पे भाई। लोकल यहाँ पे समोसे बेच रहे हैं। समोसा समोसा बोला नहीं समोसा ओके ओके यहाँ भाई लोकल यहाँ पे समोसे तल रहे हैं यार यहाँ पे स्ट्रीट फूड में। हाँ जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली टूवर्ड्स द एंड हम ट्राई करते हैं जलालाबाद की फेमस चपली कबाब एंड देन निकल पड़ते हैं काबुल के लिए, विच वॉज अगेन अराउंड 4 to 5 hours ऑफ जर्नी। काबुल में मैं इस बार गया मेरे काउच सर्फिंग होस्ट के घर जिनका नाम है अनमोल्ला, जिन्होंने मेरे को कहा कि वो अफगानिस्तान में मेरे को कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो मैंने कभी नहीं देखा होगा और जहाँ तालिबान भी चिल करने जाते हैं। आज है हमारा अगला दिन काबुल में और फिलहाल हम लोग आज काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस में जा रहे हैं। बट राइट नाउ विथ मी हियर इज इनामुल्ला। ये मेरे काउच सर्फिंग होस्ट थे काबुल में, तो मैं काउच सर्फिंग के बाद शिफ्ट हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा लोकल कल्चर चाहिए था देखने के लिए। और उसके बाद हम इनामुल्ला से मिले और वी आर गोइंग व्हिच प्लेस टुडे, वी आर गोइंग टू परमान टुडे। परमान इज दिस पिकनिक डेस्टिनेशन इन हियर एंड या टू हैव इंशाल्लाह फन इन देयर। लास्ट टाइम मैंने इस प्लेस के बारे में काफ़ी कुछ सुना था बट जा नहीं पाया था सिक्योरिटी रीजन की वजह से। बट क्योंकि अभी फिलहाल सब कुछ मतलब सब कुछ बढ़िया है, जैसे मैंने पहली वीडियो से बताते हुए आ रहा हूँ। और छुट्टी का दिन है या तो इन भाई को उर्दू भी आती है ना भाई, थोड़ी आती है भाई को। बट क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज एक्चुअली हॉलीडे है यहाँ पे अफगानिस्तान में, तो काफ़ी सारे लोग आज पिकनिक और मतलब घूमने वगैरह जाते हैं, इसलिए आज देख सकते हो आप लोग ट्रैफिक भी काफ़ी कम है यहाँ पे। आज यूजली ट्रैफिक काफ़ी होती है मतलब काबुल कैपिटल में, बट क्योंकि आज छुट्टी है तो काफ़ी सारे लोग निकले नहीं है आज। चीज़ मैं बताना चाहूँगा यार, काबुल सभी लोग सुनते हैं काबुल के बारे में इतना कुछ, बट कितना साफ शहर है देखो यार, एक भी कूड़ा देखने को नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ पे सड़क पे। ये चीज़ आई थिंक मेरे को अफगानिस्तान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा यार, काफ़ी साफ लगा मेरे को अफगानिस्तान सही बताऊँ तो, स्पेशली काबुल। यहाँ पे आज हम लोगों ने लोकल आइसक्रीम खरीदा, ये यहाँ पे मिल रहा था और भाई बोल रहे थे हमारे कि काफ़ी मशहूर आइसक्रीम है अफगानिस्तान का, दिखा हुआ यहाँ पे बाबर कुल्फी, आई थिंक पश्तू में होगा या फिर ये फारसी में होगा। बट तो हमारे और एक भाई ज्वाइन कर रहे हैं अभी यहाँ पे, सलाम अलैकुम। तो ये हमारे और एक भाई लोग हैं, हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं, कुछ 3-4 लोग हैं जो पकवान खिला जा रहे हैं। बट यहाँ पे फिलहाल कुल्फी खरीदा मैंने काबुल में, कुछ 30 अफगानी लिया उन्होंने, 30 अफगानी मतलब 30 रुपये के अराउंड कुछ, काफ़ी बढ़िया है यार। तो अभी फिलहाल हम लोग ये छोटी सी गाड़ी में जा रहे हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी क्यूट सी कार है बताऊँ सही बताऊँ तो। हम जो ड्राइवर के साथ जा रहे हैं अभी फिलहाल, इनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई हमारी और पता चला कि ये जो हमारा ड्राइवर है ये तालिब है, ये तालिबान में काम कर चुके हैं और इन्होंने मेरे को अपनी आईडी भी दिखाई और अभी बढ़िया बातचीत चल रही है यार। कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि कभी तालिबान के बगल में बैठ के मैं जाऊंगा कभी कहीं पे, क्योंकि लास्ट जब मैं आया था मैं तालिबान के नाम से डर लगता था मेरे को। बट अभी देखो फिलहाल, अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान में आप तालिबान लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, आप उनके साथ वो ड्राइव कर रहे हैं, आप उनके साथ बगल में बैठ के जा रहे हो। नॉर्मली इससे पूछ रहा था कि यार क्या मतलब अगर तालिबान में आया तो भी ड्राइविंग क्यों कर रहे हैं, फिर बाद में बात करने का पता चला कि ये छोड़ चुके हैं अभी। और काफ़ी सारे ऐसे तालिब लोग होते हैं जो जब अमेरिकन लोग थे यहाँ पे अफगानिस्तान में, उनसे लड़ने के लिए वो लोग ज्वाइन करे थे फोर्सेज, उसके बाद जब वो लोग निकल गए तो वो लोग भी फोर्सेज छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया, वो ऐसे टैक्सी चला लेते हैं और अपने अपने चीज़ें कर लेते हैं। तालिबान की गाड़ी जा रही है और फाइनली भाई हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे पगमान, देख सकते हो भाई आप लोग काफ़ी बढ़िया प्लेस है गाइस, जैसे बताऊँ तो मैं हर जगह यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है और वहाँ पे आगे भाई हमारे साथ देख सकते हो आगे तालिबान की गाड़ी जा रही है और यहाँ पे पगमान में काफ़ी सारे तालिबान भी आते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है तो काफ़ी सारे लोग आएंगे आज यहाँ पे। ये फिलहाल यहाँ पे माहौल काफ़ी हद तक मेरे को यार
आई थिंक अगर आप लोगों ने ताजिकिस्तान की वीडियोज़ देखे थे मेरे, तो आई थिंक काफ़ी हद तक ताजिकिस्तान जैसा वाइब है यहाँ पे, काफ़ी पहाड़ पहाड़ है यहाँ पे। आई थिंक काफ़ी ऊपर की तरफ आ चुके हैं हम लोग, और ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि यहाँ पे अभी ठंड भी लग रही है अभी हमको। यहाँ पे देख सकते हो भाई रेस्टोरेंट्स यहाँ पे काफ़ी ऑथेंटिक और लोकल वाइब दे रही है यहाँ पे। यस, डूइंग गुड ब्रदर, हाउ आर यू फीलिंग? गुड। यहाँ पे यार थोड़े बहुत लोग कुछ बना रहे हैं यार, यहाँ पे क्या बना रहे हैं ये देख सकते हो भाई आप लोग, कुछ बर्तन है यहाँ पे, और बर्तन में शायद मुझे पता नहीं ये कुछ कुक कर रहे हैं शायद। सलाम सब खबर करोरी आज जाना जोर आप खैर से हिंदी हिंदी इंडिया इंडिया से हैं मंगेंडी ने पेगो हिंदी हिंदी मंगे पाकिस्तानी हो। काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़िया माहौल है यार चिल करने के लिए, अगर आप लोग बोल सकते हो, इसलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे छुट्टी के दिन आते हैं यहाँ पे फ्राइडे के दिन। भाई आधा आधा अफगानिस्तान इधर ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे अगर स्विमिंग पूल है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग चिल कर रहे हैं, और बाकी यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं गाइज। ये है अफगानी लोकल नान, और दिस इज़ व्हाट इज़ दिस ब्रदर? कढ़ाई। तो यहाँ पे पकवान में, सो इन पकवान पीपल लव कढ़ाई। पकवान यू कैन हार्डली फाइंड कबाब और दोस अदर थिंग्स, सो दिस इज़ द कॉमन फूड यू कैन फाइंड इन पकवान। ओके, तो यहाँ पे यार सबसे बेस्ट चीज़ ये लगा कि इन्होंने पूरा कढ़ाई लेके आ गया यार, उन्होंने पूरा कढ़ाई में सर्व कराया उन्होंने। और ये है शीप का मीट, जिसके साथ हम लोग यहाँ पे चाय के साथ इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे पकवान का बोल रहे हैं लोकल खाना। गाइस तो यहाँ पे फिलहाल एक ट्रैक कर रहे हैं, थोड़ा सा चढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि पहाड़ है ये। यहाँ पे खाना खा के निकल रहे हैं हम लोग अभी यार। यहाँ पे मेरे आस पास देख सकते हो भाई आप लोग, हर जगह तालिबानी तालिबानी। आप से जाएंगे आई थिंक, क्योंकि आज यहाँ पे हॉलीडे है फ्राइडे को, तो यहाँ पे काफ़ी सारे तालिबान के लोग यहाँ पे वेकेशन के लिए आते हैं। हर जगह गाड़ी और मैक्सिमम सभी जगह हम लोग तालिबानी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ऐसा लगा घेरा हुआ हूँ मैं तालिबान लोगों के साथ यहाँ फिलहाल पकवान में। फिलहाल बाकी का आगे का व्यू देखो यार आप लोग, ये क्या है, ब्यूटीफुल जगह है यार ये। भाई जितने तालिबान यहाँ पे उतने तालिबान अगर लास्ट ईयर में होते तो वैसे एरियाज में भाई टूरिस्ट पास में नहीं जाता वैसे एरिया के, वैसे इलाके के सॉरी अगर बताऊँ तो। बट फिलहाल ये एरिया यार आई थिंक पूरे हर जगह मुझे बस तालिबान ही दिख रहे हैं, और ऐसा माहौल मैंने इसके पहले कहीं देखा नहीं। यहाँ पे भाई कुछ बेच रहे हैं भाई, अच्छा समोसे बेच रहे हैं यहाँ पे भाई। हाँ समोसा समोसा ओके। भाई को मेरी भाषा समझ नहीं आने वाली, तेरे को उनकी भाषा समझ नहीं आने वाली, बड़ा समोसा बेच रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे अफगानिस्तान में भी लोग समोसा खाते हैं। क्या ही प्लेस है यार ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे गाइस लोकल ये बेरीज बेच रहे थे यहाँ पे, काफ़ी डिफरेंट किस्म का बेरी बोलूँगा इसको, ऐसा बेरी मैंने इसके लिए खाया नहीं, काफ़ी बढ़िया है। कुछ अराउंड 10-10 रुपए में एक पैकेट बेच रहे थे यहाँ पे, तो हमने ले लिया। ये अंगूर जैसा है बट अंगूर है नहीं एग्जैक्टली, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है इसका। तो फ्रॉम दिस वीडियो गाइस मेरा तो फाइनली ये जो अफगानिस्तान का सीरीज़ है और अफगानिस्तान है ये ख़त्म हो रहा है। तो आई थिंक ये वाले वीडियो में मैंने कोशिश करा कि मैं आप लोगों को जलालाबाद और पकवान दोनों का थोड़ा बहुत मैं ग्लिम्स दिखा दूँ आपको। सही बताऊँ तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपके, जो आप लोगों ने प्यार दिया मेरे अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए। अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी डिफरेंट कंट्री में हूँ, जो धीरे आई थिंक आपको आने वाले कमिंग वीडियोस में पता चल जाएगा। दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना व्यूज़ क्या आपको कैसा लगा। अफगानिस्तान वॉज क्रेजी, काफ़ी नर्व रेकिंग था पहले, काफ़ी डर लग रहा था मेरे को पहले, बट धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो काम डाउन होती रही, और जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी बढ़िया होते रहे। सही बताऊँ तो ट्रैवल करना अफगानिस्तान अभी सेफ़ है, बट आपको तभी भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे डिटेल्स शेयर करें, तो आप लोग ज़रूर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं आपको आने वाले कंट्रीज़ के भी अपडेट पहले दे देता हूँ मैं कंट्री से, तो आप लोग को वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। तो एनीवेज खुश रहिए, अपने आसपास के लोग खुश करिए, एंड आई डोंट नो नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट कंट्री।